जो इन्होंने किया, पाक पतन से लेके इस्लामाबाद तक पहुंच गए मेरे भाई, आहिस्ता आहिस्ता खैबर पख्तूनख्वा तक भी पहुंच जाएंगे आप, अभी वक्त ही कितना हुआ है आपका। देखें जी, आईजी को चेंज करना है कोई बात नहीं थी, इन्होंने वैसे भी इनका इख्तियार था, अगर आए हैं तो आईजी को आप चेंज करने, ये इतना ड्रामे करने की क्या जरूरत है। स्वाति साहब मेरे कलीग हैं, मेरे बड़े हैं, मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन काबिल एहतराम है, लेकिन जो जो सी बातें उन्होंने की, आप देखिए कॉल और फेल में तजाद है या नहीं है, आप बात एक कर रहे होते हैं, अमल कुछ और कर रहे होते हैं, आपकी अभी बिल्कुल नई हुकूमत आई, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसलिए कि यही बातें आपने पीएमएलएन के लिए कही थी, आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने खराब की हुई है ना, तो पाक पतन में कौन उनको गया 30 था साल हुए, हमें अभी 30 दिन हुए तो हम ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, आपको यही कह रही हूं ना, फेल में तजाद की बात हो रही है ना, आप देखिए आपने आपको दिखा दिया है जो 30 साल से बिगड़े हुए को 30 दिन में ठीक नहीं कर पा रहे, कोई मसला नहीं, किसी और पार्टी ने ये किया होता तो शायद इतनी तंकीद ना हो रही थी, क्योंकि आपने ये स्टैंडर्ड सेट किए पहले अपने, तो ये बात साबित होती है कि वो मुश्किल है, साबित होती है कि ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने की जरूरत है, मुश्किल है, कर रहे हैं बाहर से बैठ के बात करना आसान है, अंदर आके ब्यूरोक्रेसी को तो आप वो कर रहे हैं।